देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मंथली सेल्स ऑफ बाइक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 7 मंथ। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। आखिरी में बताइएगा टोटल 8 क्वेश्चन हैं इसमें, कितने सही हुए और कितना टाइम लगा। इन्होंने नहीं भी किया है ना, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द सेल्स वेयर अप्रॉक्स इक्वल टू द एवरेज सेल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये सभी देखिए 0 0 लिखा है ना, तो केवल नंबर ऐड करिए, बाद में 2 0 लगा लीजिएगा। ये कितना हुआ, 5 6 8 12 17 6 23। तो ये 2300 हो जाएगा। कितने मंथ हैं, 7 मंथ है ना, डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 328। ठीक है, अब जरा देखिए 328 के अप्रॉक्स क्या है, 2300 है। आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये अप्रैल किसका आंसर आ रहा है, 328 किसके क्लोज है, 300 के ही तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि द सेल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई वेयर हाउ मच टाइम्स ऑफ द सेल्स इन द मंथ ऑफ जैन। इस क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकेंड है। ठीक जो कि अब ओवर हो गया है। क्या दिया गया है कि द सेल्स इन मंथ ऑफ जुलाई वेयर हाउ मच टाइम द सेल्स इन द मंथ ऑफ जैन। ये बताइए, यहाँ 200 है, ये 600 है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ऑप्शन डी सिंपल है। इसको बताइए क्या दिया गया है कि व्हाट वाज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स बिटवीन द पीरियड जैन टू मार्च एंड अप्रैल टू जून। तो बताइए, टोटल 8 क्वेश्चन है और सभी का 8 मिनट सही होना चाहिए। ठीक चलिए टाइम ओवर हो गया है। आखिरी में बताइएगा कितने सही हुए टोटल 8 में से। देखिए क्या दिया गया कि व्हाट वाज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स बिटवीन जैन टू मार्च। जैन टू मार्च है ना, देखिए जब सब में 0 0 लगा हो ना, तो आप 0 0 हटा भी सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बताइए जैन टू मार्च है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा। और देखिए फिर अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 5 11। ये बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है, 5। ठीक है ना, यही पूछा है ना कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 5। किससे कंपेयर करना है, 6 से। अब इसी का जरा परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 6।
तो ये कितना होगा, 3 8 जा रहा है, देखिए 8 के अराउंड कोई आंसर है, पूरा डिवाइड कर लीजिए, 83 पॉइंट समथिंग, सिंपल। पूरा आप करेंगे ना तब भी वही आएगा, ये 6 जो हमने लिखा है, लिखेंगे तो क्या होगा, 600 होगा, और फिर इधर देखेंगे तो ये क्या होगा, 1100 होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाई ना 600, ठीक है, फिर इंटू 100 करेंगे, तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, तो पहले ही हटा दीजिए इसको, सिंपल था। चलिए, किसी को कोई डाउट होगा ना तो रिपीट लिख दीजिएगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, मैंने जुलाई भी दे दिया था। नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए ना, 10 सेकेंड और लग जाए लेकिन क्वेश्चन और अच्छे से पढ़िए। देखिए इसको फिर से बताते हैं, क्या दिया गया है कि व्हाट इज द एवरेज, व्हाट वाज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स बिटवीन जैन टू मार्च एंड अप्रैल टू जून। तो आपसे पूछा गया है कि जैन से मार्च और अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है, ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है सेल्स, ठीक है, तो देखिए जरा, ये जैन टू मार्च तो ये कितना हुआ, 2 3 5 1 6, 0 0 हटा दीजिए सभी में से, और अप्रैल टू जून कितना होगा, 11 होगा, तो ये बताइए कितना इंक्रीज हुआ, 5, ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे, यहीं से यही देख रहा है ना कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 × 200, इसी को सॉल्व कर दीजिए, 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, इसको बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैड द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एट द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे 100 इंक्रीज हुआ, इससे कंपेयर करना है तो कितना होगा, यहाँ 50% इंक्रीज होगा, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, तो इससे मतलब ही नहीं है, इंक्रीज देखना है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैड द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल। अब देखिए ये 100 से 200 हुआ, तो जब 100 से 200 हो गया इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 100%। अब ये 200 से 400 हो गया तो ये भी कितना होगा, ये भी 100%, फिर ये 400 से 500 मतलब 100/400, तो ये तो 100% आएगा नहीं, और ये भी 100% आएगा नहीं, तो देखिए 100% यहाँ पे भी आ रहा है, 100% यहाँ पे भी आ रहा है, यही पूछा गया है ना कि पिछले महीने से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो सेल्स सबसे अधिक कहाँ पे है, और परसेंटेज में देखना है, हाइएस्ट परसेंटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैड द हाइएस्ट परसेंट ऑफ सेल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो आप ये बताइए यहाँ मार्च वाले में प्रीवियस कितना है, 100 है, अप्रैल वाले में कितना है, 100 है, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 100/100 × 200, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 100% ही तो आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 100% आएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो अप्रैल और मई दोनों में ही जो है 100 100% इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, दोनों ही होना चाहिए ना, ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे आप, कोई सा भी टिक कर दीजिए, इस क्वेश्चन में क्लेम किया जा सकता है और सभी को जो है मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए अगर परसेंटेज नहीं लिखा होता ना तब मे को टिक कर देते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, देखिए दिया गया है कि ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक बार ग्राफ दिया है एंड इसमें जो है
नंबर दिया गया है कि नंबर ऑफ इम्प्लॉई हायर्ड प्रोमोटेड एंड फायर्ड इन अ कंपनी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, ये जो कलर है ये हायरिंग का है, ये प्रोमोशन वाला है और ये फायर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इम्प्लॉई फायर्ड फ्रॉम द कंपनी इन 2003 एंड द नंबर ऑफ इम्प्लॉई प्रोमोटेड इन 2001। सिक्स सेकेंड आपके पास टाइम है केवल। टाइम ओवर हो गया है। देखिए क्या पूछा गया है कि फायरिंग 2003 में देखिए कितनी हुई है, 45। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इम्प्लॉय प्रोमोटेड इन 2001, ये 2001 है, प्रोमोशन कितना हुआ है, 25। 45 25 डिफरेंस कितना हुआ, 20। सिंपल था। इस क्वेश्चन में बताइए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ हायर्ड इम्प्लॉई टू द एवरेज नंबर ऑफ प्रोमोटेड इम्प्लॉय इन द कंपनी ड्यूरिंग 2003 to 2005। देखिए क्या दिया गया है कि एवरेज नंबर ऑफ हायर्ड इम्प्लॉय टू द एवरेज नंबर ऑफ प्रोमोटेड इम्प्लॉय। ठीक है, हायरिंग का देखते हैं 2003 to 2005, तो यही है ना हायरिंग, तो ये कितना हुआ, 35 50 एंड 40। 35 प्लस 50 प्लस 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, और रेशियो किसका, ठीक है, फायरिंग, यही है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ हायर्ड इम्प्लॉई टू द एवरेज नंबर ऑफ प्रोमोटेड इम्प्लॉई। ठीक है, सॉरी, प्रोमोटेड इम्प्लॉई, तो ये देखिए 35 प्लस 40 प्लस 50। ठीक है, ये बताइए सब सेम है ना, तो क्या आएगा, 1:1। इसको आप ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, ओरली देख सकते थे, यहाँ 35 है, 50 है, 40 है, और यहाँ पे भी 35 है, 40 है, 50 है, तो सब कट के क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। सिंपल था ना, इसको बताइए कि दिया गया है कि लेट अस एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉई एक्सेप्ट द अबव गिवन फिगर रिगार्डिंग हायर्ड एंड फायर। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द कंपनी वाज 500 इन 2001 देन व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ द प्रोमोटेड एम्प्लॉई एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द कंपनी फॉर द ईयर 2001 to 2004। इसको समझिए और करिए, मैक्सिमम टाइम है 50 सेकेंड। देखिए सब बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए 2001 में कितने इंप्लॉई हैं, 500 इंप्लॉई हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 500 इंप्लॉई ही हैं। तो आप ये बताइए कि 500 इम्प्लॉई हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है आपका 25 कितने हैं,
25 प्रोमोटेड वाले हैं, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद से देखिए इसका, देखते हैं इसमें 2004 में पूछा गया है ना, 4 में देखिए यहाँ पे कितने हैं, 40 हैं, कितने में से 500 में से, इसको इनटू 100 कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे भी 500 है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे भी 100 100 है, तो ये 40 और 25 का डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15, ये 500 रहेगा ही रहेगा, इनटू 100 कर दीजिए, बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना सिंपल। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व करेंगे तो फिर टाइम लगेगा ना, कैसे कैसे, इधर देखिए इसको आप डिवाइड किए तो ये कितना आया, 5 आया, फिर इसको आप डिवाइड किए ये कितना आया, 8 आया, 8 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 3। तो या तो इस तरीके से कर लीजिए, या डायरेक्ट 40 और 25 का डिफरेंस देख लीजिए, अलग से कर लीजिए इसको, ठीक है ना। देखिए पहले ही कह दिया है ना कि इम्प्लॉय में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये 2001 में भी 500 है, 4 में भी 500 है, ठीक है, बस ये जो हायरिंग और फायरिंग चल रही है इसकी वजह से चेंजेस आएंगे, तो उसको साइड रखिए, टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉय 500 ही रहेंगे ओवरऑल, तो 1 में भी 500 है, 4 में भी 500 रहेंगे, ठीक है, इसीलिए आपसे प्रोमोशन वाला पूछा है, क्योंकि ये फिक्स है ना, सिंपल था। चलिए आखिरी क्वेश्चन बताइए, इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइए कि 4 का डाटा नहीं दिया है, देखिए पहले ही लाइन लिखी हुई है कि लेट अस अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ इम्प्लॉई, इम्प्लॉई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 4 में भी जो है ना ये 500 ही है, सभी ईयर में 500 ही है, ठीक है, रिपीट करना है इसको। देखिए दिया गया है कि लेट अस अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉई एक्सेप्ट द अबव गिवन फिगर रिगार्डिंग हायर एंड फायर, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द कंपनी वाज 500 इन 2001। देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो कंपनी में है ना ये कितने हैं, 500 है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो सभी ईयर में ये 500 ही रहेंगे, और हायरिंग और फायरिंग की वजह से जो भी चेंजेस होगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये 500 ही रहेगा। अब पूछा गया है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, प्रोमोटेड इम्प्लॉय में परसेंटेज में कैलकुलेट करना है 1 से 4 में, तो आप ये बताइए 1 वाले में प्रोमोशन कितना है, 25 का है, कितने में से, 500 में से, तो कितना परसेंट हुआ, कैलकुलेट करिए साइड में। उसके बाद से 4 में कितना है प्रोमोशन वाले का परसेंटेज, तो 40 है, कितने में से, 500 में से, इंटू 100, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 3। हमने क्या किया इसको, ये सब कुछ सेम है, तो यही डिफरेंस निकाल लेते हैं ना 40 और 25 का, तो ये कितना हो जाएगा, 15, और ये सब कुछ तो ऐसे ही रहेगा, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ऐसे लिख के करना नहीं है, जब आप ऐसे ओरल देख रहे हैं कि 100 और ये 5 और ये 3 चला गया, कट कर दीजिए, सिंपली कट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए, इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्लॉई फायर्ड एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ हायर्ड इम्प्लॉई। ये हायरिंग और ये फायरिंग, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूछा गया है ना कि इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्लॉय फायर्ड एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ हायर, ठीक है, जितनी हायरिंग हुई है उससे अधिक फायरिंग हुई है, ये डिफरेंस सबसे अधिक कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 30 हायरिंग हुई है, 35 फायरिंग हुई है, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो फायरिंग कमी हुई है, हायरिंग ज्यादा हो गई है, ये देखिए ये 35 और ये 45 है, हायरिंग 35 फायरिंग कितनी, 45, 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो सबसे अधिक कहाँ पे, 2003 में, ऑप्शन सी, सिंपल था।